भीषण गर्मी के चलते गाड़ी में आग लगने के बड़े मामले हाल ही में सामने आ रहे हैं। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहां एक गाड़ी अचानक आग का गोला बन गई। इस भीषण गर्मी में लगातार गाड़ियों में आग लग रही है और इस तरह अचानक आग लगने के कई मामले अब आ चुके हैं सामने। ग्रेटर नोएडा के जर्जर रोड पर वीरपुरा पुलिया के पास एक गाड़ी में चलते चलते आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही पल में पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। गाड़ी में बैठे गाड़ी चालक व उसकी पत्नी ने आग लगते ही गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के समय आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत फायर यूनिट को सूचना दी, जिसके बाद तत्काल फायर यूनिट ने मौके पर पहुंचकर तुरंत आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर यूनिट ने आग पर काबू पा लिया। फिलहाल गाड़ी चालक और उसकी पत्नी सुरक्षित है, किसी भी तरीके की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के थाना जर्जा क्षेत्र की घटना है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।